कहा कि सर एक दिन की बिल का खर्चा मैं आपको देता हूँ, उसका नाम मेरे देन में नहीं आ रहा, तो हो सकता है मैं थोड़ी देर तक नाम पूछ के ना उनकी पिक्चर भी मैं ऐड करता हूँ, तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के हालांकि ये लड़का कोई इतना बड़ा नहीं है, ये हुसैन माशाल्लाह मेरे ख्याल कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा होगा, जो टॉपिक ऊपर लिखवाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया होगा, इंशाल्लाह जैसे ही बैनर बनते हैं तो मैं आपको उसका व्यू भी दिखा दूँगा। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो नमाज पढ़ के बस फ्री हुआ था, मैं बाहर आ गया। तो मुझे यार बिल की बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि सारा काम जो ना खैर खैरियत से हो जाए। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी जो ना वो मतलब डन हो चुकी है, मतलब सामान सामान सारा ले लिया हमने, तो बस ये कि इंशाल्लाह सिर्फ कल के दिन का वेट है, और कल जो हमने एक्टिविटी करनी है उसमें मतलब जो कुछ चीज़ें हैं वो मतलब देखने वाली हैं कि सुबह अर्ली उठना पड़ेगा, काफ़ी सारे काम हैं वो करने हैं, क्योंकि टेंट लगवाना सुबह अर्ली उठ के, और उसके बाद जो है ना वो टप वगैरह लेने हैं, वो तो आज ही मैं ना शाम को जाके टप की भी अरेंजमेंट कर लेनी है सारी, और जग गिलास मैंने कल ले ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है सारी ऑलमोस्ट। लेकिन ये कि आप लोगों ने दुआ करनी है कि खैर खैरियत से हो जाए। पहला दिन है कल, मैं इन लोग स्टार्ट करना भूल गया, अपनी फैमिली का हालचाल नहीं पूछा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये कि फजल बुखारी को अपनी फजल बुखारी फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, तो यार अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, देख लें कितनी गर्मी है, और मैं गर्मी में जो है ना वो आपके लिए बाहर आके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नमाज वगैरह पढ़ी थी, मन का चले बाहर चलते हैं। सलाम तो हाल चाल पूछना मैं भूल गया, क्योंकि टेंशन मुझे इतनी थी यार कि कल सबील का पहला दिन है हमारा, तो किस तरह का होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करें, क्योंकि मौला का मिशन है, तो मौला का मिशन लेके चल रहे हैं, तो यार इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो आप लोग यार कंट्रीब्यूशन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, और जो ले रहे हैं माशाल्लाह उनका यार मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का। तो इंशाल्लाह ये कि अब घर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करना है, नाश्ता करके फिर उधर जाना है, मैंने एक दो बैनर बनवाने देने हैं मतलब, और टप वालों को कहना, टेंट वालों को कहना कि यार एक टेंट लगाना है हमें, तो जल्दी हमें मतलब सुबह जो है ना वो अरेंजमेंट कर दे। तो ये कि अब घर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद जो भी एक्टिविटी होती है वो फिर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐसा भाई असगर के पास बैनर बनवाने के लिए, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमने ना टेंट लगाना है, तो उसके ऊपर बैनर लगाने हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो कितना साइज होगा उसका और क्या हिसाब किताब है। जी असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये से ठीक है? अच्छा दसो केड़े साइज दा ठीक रहेगा बैनर? 9 फुट लंबा होगा, 3 फुट चौड़ा होगा। ठीक है, बनने लगे सानू ओदे विच आसानी रह जाएगी। ठीक हो गया, मतलब इथो स्टार्ट हो रहा, इधर तक होगा बैनर दी लेंथ?2000 years later. सलमान भाई दाढ़ी बिल्कुल जीरो कर दे, और साइडें जो है बारीक करके, और अच्छी ऊपर से भी जरा हल्के करने हैं आपने। ठीक हो गया। ठीक है, ये है कि हाथ से वो खड़े वगैरह हो जाएं बाल। हाँ जी, साइडें और बारीक कर लेंगे इतनी? ठीक है, बिल्कुल जीरो, वो फिर बाल व्हाइट हो जाएंगे। कलर करना? नहीं कलर करना है, कलर करना वहाँ फिर नहीं। चले करते हैं फिर, जरा अच्छा सा करते हैं। जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कटिंग वगैरह करवानी थी, खत करवाना था, काफ़ी देर हो गई थी कटिंग भी जो है ना वो, मतलब बाल बड़े थे, गर्मी लग रही थी, मैंने कहा आज करवा लें, तो फाइनली आज करवा ली है। तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि सुबह संडे है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो सबील मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन शुरू किया हुआ है वो सुबह इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, कल उसका पहला दिन है। तो सुबह जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैं कह रहा था यार मैं बहुत परेशान हूँ कि कल का दिन पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा जो पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी मौला का काम है, मौला ने अगर देन में डाला है तो मौला ने पार भी कर देना है।
तो उसके अलावा एक और चीज़ है, मेरा एक बड़ा अच्छा एक फ़ैन है मेरा, उसका आज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हुसैन भाई आपके लिए भी, उसका मैसेज आया, उसने हालचाल पूछा, तो शक्ल से मैं उसको वाकिफ हूँ लेकिन भाई का ना मुझे नाम नहीं आइडिया। तो उस भाई ने कहा कि भाई मैं आपके व्लॉग देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि आपने जैसा कि बताया कि आपके एक कज़न है, उन्होंने एक दिन की इस बिल का सारा खर्चे का मतलब कहा कि मैं करूँगा, तो ये भाई ने भी कहा कि सर एक दिन की इस बिल का खर्चा मैं आपको देता हूँ। उसका नाम मेरे देन में नहीं आ रहा, तो हो सकता है मैं थोड़ी देर तक नाम पूछ के ना उनकी पिक्चर भी मैं ऐड करता हूँ। तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के, हालांकि ये लड़का कोई इतना बड़ा नहीं है, ये हुसैन माशाल्लाह मेरे ख्याल कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा होगा, उसने कहा कि भाई मैं आपको ना एक दिन की सबील का जितना भी खर्चा होगा आपने मुझे बता देना है, देन आई विल सेंड यू। मैंने कहा यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला मौला पंचर पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी खैर करे। तो हुसैन भाई ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और सेकंड ना मैं अपनी थोड़ी सी लोकेशन आपको चेंज करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो हमारी सबील की लोकेशन थी है उधर ही है, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। पहले हमने आइडल के बिल्कुल अपोजिट लगानी थी, अब थोड़ा सा जो पार्क है ना वहाँ पे लगानी, क्योंकि वहाँ पे एक तो बैक साइड पे थोड़ी बिल्डिंग्स हैं और टेंट लगेगा ना, ग्रीनरी भी है, तो बड़ा मतलब ईजी कम्फर्टेबल होगा, क्योंकि दूसरी साइड पर ना हुसैन कोई चीज़ नहीं है, धूप ही धूप होनी थी। तो ये कि हुसैन से भी डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मतलब बाकी भी माशाल्लाह आप मेरी पूरी फैमिली जो है ना मुझे सपोर्ट कर रही है, जितना भी कर रही है यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। हमें मतलब ये हमने मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यार इतना मुझे रिस्पांस मिलेगा। तो ये मौला पंचतन पाक यार आप सब लोगों की खैर करें। तो आए हुसैन से भी बातचीत करते हैं कि हुसैन सुबह हमने निकलना है और सुबह हमने स्पीड लगानी, तो क्या फीलिंग है आपकी और क्या आपके माइंड में जा रहा है? हाँ जी हुसैन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक, आप सुना ठीक है? तो थोड़ा सा बताएं हमारी फैमिली को, सुबह संडे है तो माशाल्लाह सबील का जो मिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कल फर्स्ट डे है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो खैर काफी एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे तो मतलब ऐसे है कि लंगर सिंगर बांटते रहे हैं, लेकिन इस सबील वाला एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम। आप तो खैर मतलब पहले भी करते रहे हैं चीजें ऐसे, लेकिन सैन भाई वो आपकी बात सही है, लेकिन पहले हम करते थे यार एक टप लगा लिया, दो लगा लिए, जो भी है एक प्लानिंग होती थी छह मोहरम की या चेलम की। कल हम लगा रहे हैं एक सोशल वर्किंग के तौर पर, ठीक है? तो हमारा कोई इस तरह का पहले मेरा एक्सपीरियंस नहीं था है। अब हमने ना तीन चार मतलब टबों का जो भी सिलसिलाकार है वो भी आपको डिटेल बताते हैं। हुसैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मतलब ये छह की न्यास देते हैं ना, तो वो मतलब होता है कंबाइन, कंबाइन आपके ऊपर भी बड़े भी बैठे हैं, वो सारा कुछ वही मैनेज कर, और वो उसकी ना जहन में हमारे आइडिया होता है कि यार इतने फिगर में ना इतनी वैल्यूज होंगी, इतने लोग होंगे, और ये मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम करना और आपने खुद अपने हाथ से करना था। हाथ से करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा। बिल्कुल अल्लाह खैर कर, मुझे बड़ी खुशी हुई उस लड़के का भी सुन के, और जिसने भी मतलब जो है ना वो इसमें हिस्सा डाला है ऐसे ही है, पंचन पाक खैर करे उनके रिजक में जो है ना ज्यादा से ज्यादा बरकत करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हम उस दिन बैठे बात कर रहे थे कि यार पता नहीं कैसे होगा, कैसे करेंगे, लेकिन पता नहीं कोई मदद करता नहीं करता, लोग फेक समझते हैं, बिल्कुल साथ चलता नहीं चलता, लेकिन देख ले मौला के काम में सबसे पहले मौला ने आसानी की है। ऐसे ही ऐसे ही, उनका मतलब हम तो वसीला बने हैं सारा, मतलब जो भी है मौला ने खुद ही किया, मौला ने खुद ही किया है। और एक और सैन चीज के मैंने माशाल्लाह एक दो बैनर बनवाए हैं, एसबील मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नीचे यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब की मतलब फैमिली चैनल का नाम लिखा फजल बुखारी फैमिली। अभी लोग एक दिन बाद मतलब नेक्स्ट डे चल रहा होता है, जैसे आज मतलब सैटरडे है तो आज का जो व्लॉग है वो संडे को लगेगा, और हमारा जो सबील का प्रोग्राम है वो संडे का और वो इंशाल्लाह मंडे को लगेगा। तो मैंने कहा चले बैनर बनवाए हैं, एक फ्रंट पे लगा देंगे एक बैक पे लगा देंगे, क्यों सैन भाई ठीक है ना आइडिया? बिल्कुल बहुत जबरदस्त, और जो आपने लोकेशन बताई है ना मेरे माइंड में वैसे थी ये, अच्छा पीछे बिल्डिंग्स होंगी ना तो बड़ा सुकून हो जाएगा, सामने से तो धूप आनी आनी है, लेकिन अगर है। जब थोड़ा सा सूरज इधर होगा ना फिर दोपहर टाइम जरा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कि उस रोड पे सर्विस रोड है सामने, मतलब बिठा के ना वहाँ पे स्वील करवाने में हमें आसानी होगी, आसानी नहीं ट्रैफिक जैम नहीं होगी वहाँ, ऐसे ही है। अगर बिठाया भी ना जाए कोई बाइक पे बैठा हो, हम उसको खुद जाके सर्व करेंगे, लड़के होंगे हमारे पास तो जग भर के लेके जाते रहेंगे, ग्लास पकड़ लेंगे और वो बाइक वाले गाड़ियों वालों को रोक रोक के पिलाएंगे हम। नहीं जो मतलब मेन रोड से जो लोग जा रहे हैं ना बाइक पे या जो भी मतलब जा रहे होंगे उन्हें वहाँ बुला के साइड पे हाँ, बड़े सही से स्पील करवाई जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल, और बाकी ये लाजमी शिरकत करनी है, जो बहन भाई हमारे देख रहे हैं देखने वाले सुनने वाले लाजमी शिरकत करिएगा इंशाल्लाह मौला सैन से, ये स्पील मतलब शिफा ही है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा तो मतलब अकीदा कि इससे शिफा होती है, जो बीमार है वो लाजमी आए शिफा हासिल करने। बेशक बेशक। अच्छा जी एक मैं एक और मतलब अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ना लोगों से खुद मतलब कल तक मैंने किसी से खुद डायरेक्टली पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन आज मैंने कुछ लोगों से खुद जाके पैसे मांगे हैं, और मैंने उनको कहा कि यार ये मौला का मिशन है, अगर मौला ने मेरे जहन में या मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कुछ डाला है ना, तो आप अगर 100 रुपीज भी देते हैं ना तो इसका अजर आपने आपको मौला हुसैन ने देना, मैंने नहीं देना या दुनिया ने नहीं देना, आप सिर्फ अपनी नीयत देखें, आप 50 दें आप 100 दें
आप जितना भी दे सकते हैं, और इसका आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपको इसका अजर जो है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देना। क्यों हुसैन भाई? ऐसे ही है ना, लेना आपने उनसे, उनसे लेना है। और आपके मतलब देने से पहले जो है ना वो आपके लिए मौलाना आसानियां करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता भी नहीं लगता ऐसे ही ऐसे कहाँ कहाँ से इंसान के लिए आसानियां पैदा। बिल्कुल बिल्कुल गुड हो गया। ले जी आज का भी लोग यहाँ पे करते हैं एंड। तो आप लोगों ने यह कि सुबह लाजमी शिरकत करनी है, मैं तो इंशाल्लाह सुबह 11 बजे वहाँ पहुंच जाऊंगा। तो क्योंकि मेरा व्लॉग कल अर्ली मतलब मैं अपलोड कर रहा हूँ व्लॉग, तो हो सकता है सुबह मैं 11 से पहले अपलोड कर दूँ। तो जैसे ही आप लोग देखें तो काइंडली शिरकत करें। जो सबील का टाइम है वो हमने 2 से लेके मतलब 4 बजे तक रखा है। तो बाकी मौला पंचन पा खैर करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आप लोग हमें दुआ भी देंगे। और लाजमी दुआ देनी है और कोशिश करनी है कि आप लोग लाजमी शिरकत करें, बेशक एक गिलास पीने के लिए आएँ, क्योंकि जो सबील तक चल के भी जाता है उसको भी बड़ा स्वाब होता है। तो जो जो हमारे लिए मतलब पानी सबील पे पानी पीने आएगा मौला हुसैन के सदके, वो हमें भी दुआ देगा। क्यों हुसैन भाई? और ये मतलब ये नहीं सोचना कि यार इतनी दूर गर्मी में हम बैठे हैं तो ऐसे मतलब एसी में बैठे हैं तो एक गिलास के लिए हम जाएं। ये बात सिर्फ एक गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे प्यास की, प्यास की है। बिल्कुल, मतलब आपको प्यास की कदर होगी जब इतनी दूर चल के आएंगे तो आप उनकी प्यास को याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो कर्बला का वाकया हुआ था, पूरे 3 दिन जो है ना वो शहीद कर्बला मौला इमाम हुसैन उनका जो काफिला था वो पूरे 3 दिन जो ना वो मतलब प्यासे रहे थे। और जो शहजादा अली असगर थे वो भी प्यासे थे। जब उनसे मतलब उनके लिए पानी मांगा गया तो हुरमला लांती ने जो है वो मतलब तीर जो है ना वो तीर वो मतलब लिया था जो घोड़ों को खच्चरों को जानवरों को मारते, तीन मुंह थे उसके, तो वो मौला के जो है ना वो मतलब यहाँ गले पे आके लगा था। तो हम जब भी पानी पिए तो काइंडली हमारे जो मौला हैं शहजादा अली असगर मौला इमाम हुसैन कर्बला के वाक़े को आप लोग लाजमी याद रखें, क्योंकि इससे बड़ा दर्दनाक वाकया तारीख इस्लाम में कभी भी नहीं मिलता। क्यों सैन भाई? इस तरह ही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये मेरा मैसेज था। तो मैं तो अपने दिल से मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि यार जितना कोई अच्छा हो सके, मौला ने अगर मेरी ड्यूटी लगाई है तो इंशाल्लाह मैं इसको ना हद से ज्यादा, और मैं और एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो फंड इकट्ठा हो रहा है, आप यकीन करें खुदा शाहिद है कि मैं एक एक रुपए का हिसाब मैंने अपने पेज पे लिखा हुआ है, किसने मुझे कितने दिए, किसी ने 200 भी दिया है, किसी ने 100 भी दिया है, तो वो मैंने सारा लिखा है कितना हमें फंड इकट्ठा हुआ है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या सीन है। और मैंने अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपया मैंने अपनी तरफ से डाला है। ऐवी मैं कहूँ जी मैंने 5000 डाल दिया, मैंने 2 डाल दिए, नहीं, मैंने 1000 अपनी तरफ से डाला है। और बाकी इंशाल्लाह जो बहन भाई जो दोस्त है बाप जो मेरी वाईटी जो फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो यार आप लोगों से लव यू हो गया। मौला पंचन पाक आपकी खैर करें, तो सुबह लाजमी शिरकत करें। तो यह कि इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी वहाँ सबील पे, आप लोग आएँ वहाँ पे व्लॉग भी बनेगा, मीडिया वाले भी आएंगे 41 वाले, तो उनको इंटरव्यू भी देंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। तो आप लोग भी शिरकत करें, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर भाई, अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कि लाजमी शिरकत करें, जो भी बहन भाई देख रहे हैं लाजमी शिरकत करें। ओके ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज़।